रंगा विचों रंग है सोना, रंग है सोना, रंग है सोना, रंगा विचों रंग है सोना, रंग है सोना लाल, जेड़ा भी सच मन नाल त्यों दा मरें दे नाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल, अज ऐसी होई कमाल, लाल रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल, इस रंग दी बात निराली, एनू कहंदे शेरां वाली, हाय एनू कहंदे शेरां वाली, मैं भी रंग गी इस रंग नाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। के उच्चे होवन दे लई दार जरूरी है, कि उच्चे होवन दे लई दार जरूरी है, दार ते पहुंचण लई इनकार जरूरी है, प्यार मुहब्बत जेकर रखना है दुनिया विच तां हर बस्ती विच इक फनकार जरूरी है, तां हर बस्ती विच इक फनकार जरूरी है। सत श्री अकाल जी सारे नूं, मैं हाँ तुहाडी अपनी राधिका शर्मा, पंजाब 24 चैनल वेख रहे सारे दर्शकों का मैं करदी हाँ निघा स्वागत। सो अज मिलाण जा रहे हां तुहानूं इक इहो जिही शख्सियत दे नाल, निक्की उमरे ही जिन्हें दूजिआं दे दिलां नूं कील के रख दित्ता, दूजिआं दे दिलां दे विच अपनी इक वक्खरी पछाण बना ली, ते इन्नी सोहनी जी आवाज़ जिसके कंठ के सरस्वती माता का वास है, तो जिसकी आवाज़ दूजे के दिलों में झंझोड़ के रख दिंदी है, उच्चा पिंड संघोल जिला फतेहगढ़ साहब की निक्की जी प्यारी जी विशाली राणा। स्वामी लाते हैं तो विशाली राणा जिड़ी कि संगीत के नाल जुड़ी है, तो बहुत सोहना गाँदी है। सत श्री अकाल जी, पंजाब 24 चैनल थोड़ा स्वागत करते। बहुत बहुत धन्यवाद जी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्होंने मैं बहुत ज़्यादा प्यार दिता, बहुत बहुत धन्यवाद। सो सब तो पहला दर्शकों को पता लग जाए कि विशाली राणा की खासियत है। सो तुहाडा गाना ऐसी सियाणियां गल्लां, सो सियाणियां गल्लां नाल करदे आं शुरुआत, बंदे आ रंग। हाँ जी, हो आख दे सियाणे हुंदी रीसी उंदी करो, एवें किसे दी चढ़ाई वेख के नहीं सड़ीदा, बाली उच्ची हवा पैसे दी ना करिए, रुखी मिसी खाइए मालिक तो डरिए, बाली उच्ची हवा पैसे दी ना करिए, रुखी मिसी खाइए मालिक तो डरिए, हूँ आख दे सियाने हथ सड़े बलियां, आख दे सियाने हथ सड़े बलियां, में तत्ते पानी विच नहीं हूँ हथ तरीदा, आख दे सियाने हुंदरी सियोंदी करो, में किसे दी चढ़ाई वेख के नहीं सड़ीदा। एक अंतरा होर हो जावे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਲੁੱਪ ਝਾਲ ਬੱਲਿਆਂ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੀਰ ਕਦੇ ਮੁੜੇ ਨਾ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੀਰ ਕਦੇ ਮੁੜੇ ਨਾ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਠੇਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀਦਾ, आख दे सियाने हुंदी रीसी उहदी करूं, एवें किसे दी चढ़ाई वेख के नहीं सड़ीदा। क्या बात है, जिवें कि मैं स्टार्टिंग विच ही दस्सिया कि विशाली राणा दे कंठ दे विच सरस्वती माता दा वास है, किन्ना सोहना गाँदी है विशाली। सो विशाली नूं कदों पता लगा कि विशाली इन्ना सोहना गाँदी है? उदों 4 साल दी एज दे विच, जदों पहला गाना कोई भी न्यू सोंग आंदा सी तां उहनूं ध्यान नाल सुणदी ते पहला तो ही मैनूं आदत है वी ध्यान नाल सुनना, उस तों बाद गाना, उस तो बाद मेरी बड़ी सिस्टर उन्होंने सुनाते सी तो उन्होंने कहना भी दोबारा दोबारा सुनना, फिर उस तरह शौक पै गया। ओके okay, मतलब जो तुम सुना उन्होंने वधिया लगना है ना, तो जिंदगी का पहला लाइव शो कितने लगाया, तो लोगों के सामने विशाली राणा सामने आई उच्चे पिंड संघोल विच। ओके okay, शो सी कितने गाया? सब तो पहला रामलीला होंगी सी इतने उत्थे। हाँ जी ओके okay, कि उम्र से उस वेले थोड़ी? उस टाइम 4 साल दी। हाँ जी, 4 साल की उम्र में पहला शो लाया, क्या बात है जी। ओके सो मीनस कोई गुरु भी रहा तो कोई सी तो सीखते हो जो अपने आप ही आमद होंगी है गाई जाते हो?
नहीं मेरे उस्ताद गुरमीत बाठ उन्होंने सिखाया सी। अच्छा, किन्नी उम्र च तुसी ज्वाइन किया अपने गुरु जी तो सीखना? उन्हों तो 10 साल की उम्र। उदा गा 4 साल की उम्र तो रहे हो, शो कर रहे हो स्टेज पर, कि छोटा होंगे 4 साल का बच्चा, तो 4 साल के बच्चे स्टेज पर खड़ा दी तो गाने लग गया, सो क्या बात है। सो पिंड वाले का किन्ना का साथ मिलिया? पिंड वाले का पूरा साथ रहा, उन्होंने मन कदे नीवा दिखाने की कोशिश नहीं की, तो पिंड वाले का साथ रहा, तो फैमिली का भी पूरी सपोर्ट रही। ओके, कि क्लास में पढ़ते हो, कि उम्र है तुम्हारी? प्लस वन क्लास पढ़ते हैं, 16 साल की उम्र। ओके, 16 साल की उम्र। सो कदे इन्नी सोहनी आवाज़ बख्शी है तो उन्होंने, लाइव शोज भी कर रहे हो है ना, काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है तुहाडी, तो मतलब कभी वॉइस ऑफ पंजाब वगैरह में जाने वाली सोचा जा ऑडिशन दिते हो, कभी कोई ऑडिशन दिता तुसी? नहीं हजे तो नहीं अपलाई किया, पर हूँ NSFO उत्थे अपलाई किया। की सिलेक्शन हो चुकी है तुहाडा? हाँ जी। कितने देखने को मिलोगे? हाले तो ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं जी। ओके, उस तो बाद चंडीगढ़। ओके, और लुधियाना। कोई हार्ट टचिंग सोंग तुहाडे दिल के बहुत करीब होवे तुसी सुनाना चाहते दर्शकों? हाँ जी। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे ये सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करारा है, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करारा है, वो हर शे जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरी सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। सो क्या बात है जी। ज़्यादा की लाइक करते हो, क्लासिकल लाइक करते हो या बीट सॉन्ग्स लाइक करते हो? क्लासिकल जा। ओके, वैसे रियल संगीत क्लासिकल विच ही वजदा है। सो एक बार तांगा वाले नैन हो जावे, तांगा वाले नैन सुना। तांगा वाले नैन को दो सुख नाल सानी गए, तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सानी गए, आ सुख साडे लुटे जीना, सुख साडे लुटे जीना, सुख साडे लुटे जीना, फिर कदों पान गए तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सानी गए, किसे दी की गल दसां अपनी नहीं मुकदी, किसे दी की गल दसां अपनी नहीं मुकदी, रब जाने खुशी साडे वेड़े क्यों नहीं टुक दी, लमियां जुदाइयां वाले, लमियां जुदाइयां वाले, लमियां जुदाइयां वाले, फिर कदों पान गए तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सानी गए। सो क्या बात है विशाली बाकमाल। बाबा जी ने अरदास करांगे होर बुलंदियां ते जाओ। सो रोल मॉडल कौन रहा है लाइफ दे विच जिन्हें सब तो ज़्यादा सपोर्ट की होवे, जिन्हां दे तुसी पर चिन्हां ते फुटप्रिंट्स ते चलना चाहते हो, किने सब तो ज़्यादा प्यार दिता ते किने सपोर्ट दी, कौन रोल मॉडल है तुहाडी लाइफ का? मेरे फादर। ओके, हाँ जी, ते मेरी मदर। ओके, हाँ जी। ओके, सो भैन भरावां दा पूरा प्यार मिलता है बाकी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो की चाहते हो, की फ्यूचर प्लैनिंग की है, की कर दोगे बीट सारी जिन्हें भी सिंगल्स ने इन्हों की बीट करने का मोटिव रखिया, जा मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मोटिव रखिया? कहिंदे कंपीटीशन नहीं किसी नाल करना चाहिए, अपने आप को बेस्ट रखना चाहिए है ना। सो की कंपीटीशन करोगे या अपने आप को निखारोगे? कंपीटीशन तो मैं कर नहीं सकती बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े
सिंगर इतने है पर मैं कोशिश जरूर करूँगी। हाँ जी हाँ जी ओके सो तुहाडे होर भी बड़े प्यारे प्यारे सोंग्स ने ते तुसी जागरण भी करते हो है ना ते एक माता रानी दी भेट सुना दो फिर वधिया जी। रंगा विचों रंग है सोना रंग है सोना रंग है सोना रंगा विचों रंग है सोना रंग है सोना लाल जेड़ा भी सच मन नाल त्यों दा मरें दे नाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल अज ऐसी होई कमाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल इस रंग दी बात निराली एनू कहंदे शेरां वाली हायनू कहंदे शेरां वाली मैं भी रंग गी इस रंग नाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल रंग चढ़ गया मादा लाल लाल रंग चढ़ गया मादा लाल। वैसे विशाली राणा बहुत ही वधिया सिंगर है ते बहुत ही वधिया गांदी है ते पुछदे आ कि विशाली राणा दा भी कोई फेवरेट सिंगर है। हाँ जी कुलविंदर बिल्ला ते खान साहब कोई थोड़ा फेवरेट सोंग खान साहब दा जां कुलविंदर बिल्ला जी दा तुहाडे दिल दे बहुत करीब होवे तुसी गुनगुनांदे रहिंदे हो सुनाओ। हाँ दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम तेरे नाले सुबह मेरी तेरे नाले शाम गल मेरी क्यों नी मन दावे माही वे जिंदगी है तेरे नाम तू मेरा है पिया अजब माही वे मैनू तेरा इंतजार अखियां ने हंजुआ दी कीती बरसात सोने दर्दां ते लूण लाया तेरे गमां ने प्यार प्यार कह के मैनू लुटिया मैं रमावे दिलों दिला से दिते तेरे ये गमाने हुण हुंदा नी सहा विछोड़ा मेरे आजावे माही वे मैनू तेरा इंतजार। सो क्या बात है जी बहुत खूब सुने विशाली मिर्जे ना बड़ा रंग बनती है लाइव शोज दे विच। चलो मिर्जे दे नाल फिर असीं एंड करते हैं अपनी इंटरव्यू दा एक बार मिर्जा हो जावे। जट चढ़ दे मिर्जे खान नूं जट चढ़ दे मिर्जे खान नूं वड्डी भाभी लैंदे थम ओ जट चढ़ दे मिर्जे खान नू वड्डी भाभी लैंदी थम वे मैं कदे ना द्यों अरी वंगारिया वे तू कदे ना आयो कम वे मैं कदे ना द्यों अरी वंगारिया कदे ना द्यों अरी वंगारिया वे तू कदे ना आयो कम जे तू चलिया भुखा दुध दा मेरिया बुरिया लिया बन हो मेरिया बुरिया लैया बन जे तू चलिया ब्याह करवाउणी नू मे
ਲਿਜਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਹਦਿਆਂ ਜੱਟਾ ਰੂਪ ਜੱਟੀ ਦਾ ਤਨ ਹੈ ਹਾ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਛ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਲੜਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਗ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਡਰਦੀ ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜਨਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 24 ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੰਗੀਤ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 3.5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਲਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਧੁਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ 24। ਮੈਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣੀਏ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣੀਏ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਹਾਏ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਸਿਵਟਾਂ ਅਚਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ।
जदों पुछदियां प्यार दियां गल्लां हौली हौली तू दसदा इना अखियां पावां किवें सुरमा वे अखियां च तू बसदा।